नहीं, आपके इससे पहले जो है ना, ये आवाज कहाँ से निकालते हैं आप? मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस आवाज के बारे में. ये देखिए, मुझे एज एन आर्टिस्ट जो है, ओह माय गॉड, इसकी शक्ल देखिए कैसे पता होती है कि मैं एज एन आर्टिस्ट. मैं अपने पैसेजेस जो है ना वो डिस्कवर कर रहा हूँ. तो वो हर जगह से टेंडेंसीज जो हैं आपके अंदर, आप वो डिस्कवर कर रहे हैं. सिंगर होना आसान नहीं है. सॉरी, बड़ी तबीयत खराब हुई है मेरी. प्लीज मूव ऑन. अच्छा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, पेट्रन बनना है, लाइक करना है और कमेंट करना है. हाँ, अच्छा, और पिछली दफ़ा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई थी वो ये कि माहो ने बुरा भला कहा कि जिस बंदे ने हमारा ट्विटर अकाउंट बनाया वो कुछ पोस्ट नहीं कर रहा, और अब हमारे पास ट्विटर हैंडल भी चला गया हाथ से. लेकिन वो बंदे ने रब्ता किया, उसने कहा ये नहीं यूज़र पासवर्ड. तो मैंने उससे कहा कि दोस्त तुम थक गए? उसने कहा थका नहीं, मैं तो आउट ऑफ सिटी था, मैं तो वापस आ गया हूँ. अब आप देखें कैसी डेडिकेशन के साथ मैं क्लिप्स लगाता हूँ. और फिर वो बंदा छा गया. और अब मैं सबको बताया चलूँ कि उस बंदे का नाम है उमैर मंदोखेल. और उमैर मंदोखेल, उनका अपना ट्विटर हैंडल भी है, आप उसको भी फॉलो करें. और आई लव यू. हाँ, ये वाला लव यही है. हाँ, मैं भी कर सकती हूँ. तो लेकिन हमारे घर वालों ने हमारे लिए इतना कुछ नहीं किया जो आप कर रहे हैं. सही बात है, हम तो अपना प्रोग्राम भी इतने गौर से नहीं देखते. इस बेचारे को तो फिर भी देखना पड़ता है एक दो दफा एडिट करने के चक्कर में. जाहिर है, क्योंकि जो कुछ ये कह जाती है वो मतलब प्रोग्राम तो बंद होगा ही होगा, हम भी 6 साल के लिए अंदर जाएंगे तो मुझे वो एडिट करना पड़ता है. हाँ, बेचारे की काफी शामिल है. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर दैट. अब तो बहुत रेगुलरली क्लिप आ रहे हैं. अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द न्यूज. द फर्स्ट न्यूज इज के पॉलिटिकल गहमागहमी बहुत ज्यादा है इस टाइम पर. इमरान खान जो है, पहली दफा उनके ना हलचल उनकी जिंदगी में आ गई कि उनसे उतने कोलो भी आराम ना नहीं बैठे जा रहा. वो बंदे जमा कर रहे हैं जो आके यू नो उनके नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको सबमिट करा दिया गया है. उनको जो नाराज बंदे उनको मनाना है, उसके लिए उन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया. जहांगीर तरीन ने कहा कि पहले तुम भुज्जी को हटाओगे फिर मैं आऊंगा. ठीक है, मतलब इतना बड़ा सैक्रिफाइस तो आप इमरान खान से नहीं ना करवा सकते. ठीक है, बुजी को तो नहीं छोड़ा जा सकता. तो हमारे एंड पे भी सैक्रिफाइस होगा, हम भी इन्वेस्टेड हैं. हम बहुत इन्वेस्टेड है बुजी बॉय के अंदर. हाउ वी कांट लेट हिम गो. और इमरान खान जो है उन्होंने सारा कुछ छाट के ना उन्होंने कहा मैं यूट्यूबर से रब्ता करूंगा और उनको एतमाद करूंगा. बंदियां ते मेहनत करे, यूट्यूबर वाले तो पीछे क्यों पै गए? हाँ नहीं, जिससे मुझे याद है जब फैजुल हसन चौहान साहब होते थे ना पंजाब के मिनिस्टर इतलात, तो तब इन्होंने 2-3 मीटिंग्स की थी यूट्यूबर्स के साथ. हाँ. तो उनमें से एक में मुझे भी बुलाया था. ये ऐसा लोटा है यहाँ पहुंच जाता है कसम से. तो उस दिन फैजुल हसन चौहान साहब खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका जो कुछ सेकंड इन कमांड था उसने हमें ना पंप किया. अच्छा, मुल्क के लिए. हाँ, तो वो उसने फुल जब हमें पंप कर लिया ना कि बस तुम ही हो, तुमने बचाना है. तो उसके बाद मैंने कहा कि फिर पैसे ओ नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे पास बजट नहीं है. हाँ. लेकिन आपके जो काम को फंसे होंगे ना वो हम निकलवा देंगे. तो फिर मैंने ना बड़ा हिसाब लगाया घर बैठ के. अच्छा, के मेरे जो काम निकलते हैं ना. हाँ. वो तो 2-3 महीने बाद कोई ये काम होता है वो 5-10-15 हज़ार रिश्वत दे के हो जाता है. हाँ. तो यहाँ तो मैं दुकान लगा लूँ. यहाँ तो मैं दुकान लगा लूँ. यहाँ फिर वो बेसिकली ये लोग पता है इस तरह के काम बहुत से अमीर लोग करते हैं. मतलब 18,000 रुपया तनख्वाह है जी, वो फलाने के सोशल मीडिया संभालते हैं. तो भी आप तो इतनी बड़ी गड्डी पे हो, वो कहते हैं जी ऐसी 3-3.5 लाख रुपए का काम करा लीदा महीने. तो अब वो जो है ना जिनके तो होते हैं ना अमीर यार दोस्त, अभी तेरी फैक्ट्री का गैस का मीटर नहीं लग रहा है, जो जी तक गैस फैक्ट्री मीटर लगवा लो वो देख लो पढ़ ले, फलाने का ये करा दिया, किसी की शराब चढ़वा दी. मजाक कर रहा हूँ भाई, ये कॉमेडी शो है, हमने तो मजाक भी करना. अच्छा, तो मसला ये है कि जी उनको तो वारा खाता है, मुझे वारा नहीं खाता था, फिर मैंने नहीं किया. हाँ, मतलब हमारे तो इश्यूज, लाइक मेरी तो जिंदगी का इस वक्त ये इशू है ना कि मेरी काम वाली वापस आने के लिए तैयार नहीं है. अब इसमें मैं फैजुल हसन चौहान को तो नहीं ना इस्तेमाल कर सकती कि मेरी काम वाली ने वापस ले किया, क्योंकि उसके घर का ही जो वो टेस्ट है मुझे पसंद है जो वो पकाती है. अच्छा, मतलब मैंने वैसे इसको कहा था, मैंने कहा वी शुड पिच इन एंड यू नो वी शुड बिकॉज आई विल सैक्रीफाइस माई होल लाइफ फॉर इमरान खान एट दिस पॉइंट. वो जो 10 रुपये पेट्रोल कम हुआ है जो जब कभी वापस आ जाएगा, अभी तो हमें आसरा है ना. हाँ. तो प्लीज मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इसको कन्विंस करें कि ये पिच बनाए और इमरान खान को प्रेजेंट करें ताकि हम केस उनका बना सके आगे. वो वैसे ना कल कमाल का वो था कि वो सब अपने अपने प्रेशर कर रहे थे, तो बीच में जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी प्रेशर किया. अच्छा, तो वो जहांगीर तरीन ग्रुप ने कहा कि हम लोग पार्टी नहीं है, हम है फैमिली.
इतना मेरा दिल किया ना उस फैमिली का मेंबर बनने का, क्योंकि उस फैमिली में ना जो सबसे गरीबड़ा मेंबर होगा ना उसकी भी कुछ 150 करोड़ की वर्थ होगी। कसम से मैं इस्लामाबाद गई हुई थी ना, तो मैंने वहां से पूछा वापस, मैं तो 5 घंटे का जाते हुए सफर में मैंने कहा था मेरी कमर खत्म, हूं मैं वापस नहीं आ सकती, तो मैंने कॉलेज में लाना शुरू की कहीं से मुझे फ्लाइट मिल जाए, ठीक है। उन्होंने कहा जी रूट नहीं लग गया है। उस वक्त मुझे जागीर तरीन बहुत याद आए, मैंने उनको टैग भी किया था कि अपने जाग भी यहाँ पे भेज दें। तो इस टाइम पे इमरान खान को भी चाहिए कि हर तरह का फोकस जो है वो रखें, क्योंकि वो त्यारा ही उनको बचा सकता है। बुजी बॉय का तो लिटरली मैं इस वक्त बहुत रिलेटेबल कंटेंट हो गया है बिल्कुल ही, कि बुजी बॉय हर कोई बुजी बॉय से सेक्रीफाइस मांगता है। सेम मेरे साथ भी फैमिली में ही होता है कि एनो चुको ते एथे रखो, एनो कवर ए ना करे ताकि ए काम हो सके। मैं और बुजी जो है ना सेम वेवलेंथ पर नहीं, लेकिन बजी ने कह दिया है कि अलीम खान को वजीर आला कबूल नहीं करूंगा। हाय स्टैंड ले लिया अरे बॉय बजी बॉय, देखो वो हमारा प्रोग्राम देखता है, सर्किट ठीक करता है। इधर बाय द वे जो रोड़ी उन्होंने भी दोबारा शुरू किया था वो भी फिक्स कर दिया इतनी देर में। सो बाय द वे इसके अंदर ना वो भी खबर है मौलाना फजल रहमान कहने की उनको ना जलसों में बहुत गालियां पड़ती हैं, तो वो बहुत टची हुए हैं इस टाइम पर। और जो जिदारी है ना उन्होंने ये बयान बड़ा मजेदार दिया है। वो पहले फजलू पे आ जाए कि फजलू रहमान साहब ने कहा कि काली जिक्र किया हाँ। पीटीआई वाले करते हैं मुझे हाँ। वो खान साहब ने सुन लिया। अच्छा? अब खान साहब ने आज दोबारा तकरीर कर दी है कि हमने 10 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए फजलू रहमान सस्ता किए। वो खान साहब भी नहीं, बस आप फुल इटकड़क है। वो ना खान साहब का अब किसी पे भी हमला हो सकता है, सब कुछ याद रहना चाहिए इस टाइम पे। खान साहब जो है वो बिल्कुल निकल गया जो मजे आने लगे हैं ना। खान साहब ने कहा कि अभी तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं घुस के पकने लगा। तो इससे जो है ना बहुत ज्यादा मजे आने लगे। दूसरी बात ये कि जरदारी ने जो है वो ये कहा है कि मैं एक शरीफ इंसान को वजीर आजम बनाऊंगा। कौन सा शरीफ? देखिए शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं राहिल शरीफ, बाबरा शरीफ, शहबाज शरीफ, क्योंकि मियां साहब तो लंदन दवाई लेने गए हैं, पीछे ये ऑप्शन है। बाबरा जो है ना तो बेहतरीन, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कौन से शॉर्टलिस्ट उन्होंने करने हैं ये शराफत वाले उस पॉइंट पे। अच्छा जी देखिए ना, क्योंकि बुनियादी बात वही है कि ये जो है ना कि बजी को बदलना है, अब वो तो इस्टेब्लिशमेंट का मसला हो सकता है या वो तरीन साहब का मसला हो सकता है। इस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम ये है कि जी उसकी वजह से बड़ी गालियां पड़ी हैं, लोग कह रहे हैं कि आप ये लेके आए हैं, वो मतलब वो कहते हैं कि हम तो इमरान को लेके आए थे, ये तो जहेज में आया है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करा रहा। इसी तरह जो तरीन साहब है उनको कोई अपने मसाइल होंगे जिसकी वजह से वो करना चाहते होंगे। बाकी ऑपोजिशन को क्या लगे कि बजी रहे या बजी जाए, जहां तक बात है ना वो ऑपोजिशन और खान साहब वाले उसकी, तो वो तो सीधा सा है कि खान दो ही आउटकम्स हैं, या खान साहब बच जाएंगे या खान साहब चले जाएंगे। अगर तो खान साहब ऐसे कहो नहीं, नहीं सॉरी, अगर तो खान साहब बच जाएंगे तो बच जाएंगे, अगर खान साहब चले गए तो फिर आगे फड्डा है ऑपोजिशन का, क्योंकि मियां साहब ने कहना है इलेक्शन करवा, जरदारी साहब ने कहना है नहीं जी उनका डोब 1.5 साल डेढ़ साल में शहबाज शरीफ जो कोने में बैठ के चीख रहा था मैं नहीं बनना, कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना 1.5 साल से, उस बेचारे से इतना प्रेशर ना पाओ, वो नहीं ठीक कर सकता इतनी छोटी, मतलब आपका पेट्रोल भर जाएगा ये मैं बता रही हूँ, आते सारी वो ये स्टेप उठाएगा बिकॉज क्योंकि मैं ना वैसे अभी तक कन्विंस्ड हूँ कि ये पीछे कुछ है प्रेशर इनके ऑपोजिशन के, वरना ये जितना लोगों को लगता है ना कि ऑपोजिशन बस इतनी वो है कि बस आज मौका मिले तो आज बन जाए, ये ना अब सारे बड़े हो गए हुए हैं, 60-60 साल इनकी, 70-70 साल उम्र है इनको, अब 1.5 साल नहीं खलता ये 10 साल का आप उनको जो ना लिख के दें कि आप 10 साल आप कहीं नहीं जाते फिर वो ठहरना चाहेंगे, एक ही घालो 1.5 साल 3 साल 5 साल ऐसे नहीं है, ठीक है ड्यूरेशन बढ़ाएं आप। अच्छा जी चले पॉलिटिक्स काफी होगी इससे पहले कि जो अक्रॉस द बॉर्डर पे जो लोग हैं वो बोर हो जाएं, अब हम खबर जो है वो कर लेते हैं कि सेफ सिटी कैमराज की, आगे पीछे कर रही हूँ मैं। सो सेफ सिटी कैमराज जो हैं उसमें ये पता चला कि 1200 लगे हुए थे, उसके अंदर से 500 नकारा हो गए हैं, जिसकी वजह से जो आपके रोज के चलान ई चलान हो रहे थे ना वो 12,000 होते थे, वो भी रिड्यूस होकर 5,000 पे चले गए, और इस सारी चीज का नुकसान उस इदारे को हो रहा है। 93 करोड़ जो है रुपए उसका नुकसान वहां पे चल रहा है। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ना मैंने चलान देना है ना मैं अपना चलान पता कराती हूँ, इसको मैंने कहा मैं मुझे पिक करने आ जाना, कहते मैं पिक तुम्हें तब करूंगा जब तुम चलान दोगी, ठीक है। तो मैं तो बड़ी खुशी के कैमरे नहीं चल रहे, जो तुम्हारा नसीब है ना तुम्हारे रूट वाले चल रहे होंगे। दूसरी
दूसरा वस्तु ये है कि मैं लोग ना बड़ा एतराज करते थे एक वो ये कि अब तो चलो ये खराब हो गए है ना, जब ये सब कुछ ठीक भी था तो अक्सर लोग कहते थे कि जब हमारे साथ कहीं पे वारदात हो जाती है ना और हम जाते हैं कि जी फुटेज निकालें, तो हमें कहा जाता है कि ओ हो इसी दिन वो वाला ही तो कैमरा खराब था। अच्छा अब ये है कि अब तो चलो 500 एक्चुअली खराब हो गए। तो लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर आप किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का मामला हो जाए मिसहैप और उसको वहाँ की फुटेज चाहिए हो और वो जब जाए सेफ सिटी या थाने और वो कहें कि बस वही वाला तो कैमरा खराब था, तो अगर तो खराब था तो खराब था, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर वो ठीक था और आपको वो गेड़ा दे रहे हैं तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप ट्विटर फेसबुक वगैरह जहाँ भी आप एक्टिव हो वहाँ पर पोस्ट डाल दो कि इस तारीख को इतने बजे किसी का फलानी जगह पे कुछ चलान वगैरह घर आया है, क्योंकि अगर आया है तो मेरे साथ पिक्चर शेयर कर दे, फिर वो लेके जाओगे पैजन चलान वाली चलता पे है मेरी वाली रुक गई है। कार्रवाई में जो है ना कार्रवाई के ऊपर ना वो स्लो हो जाते प्रोसेस। बड़ी अच्छी टिप दी है अली ने, देखे ये पूरी ना अभी ना पिछले दिन ये मुझे कहता है यार काम की ना मुझे बड़ी परेशानी होती है। मैं क्यों मतलब इसमें सोचने वाली क्या बात है बाहू जाने में, कहते नहीं सोचना तो पड़ता है। अब आपको पता चल रहा है कि कितनी चिराते जाता है ये कि मैं टिप्स दे सकूं आवाम की खिदमत के लिए। अच्छा दूसरे एक और चीज ये कि ये ठीक इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि इन्होंने कह दिया कि हमको बाहर की कंपनी है, हमने उसी से ठीक करवाना है और वो जितने पैसे मांग रही है उतने ये दे नहीं रहे। कभी ठीक नहीं होगा, अब कभी ठीक नहीं होगा, मेरा सलाम नहीं होगा बस, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। अच्छा उसमें भी मैं ये भी बताती चलूँ आपको कि रेस्क्यू 112 को जो है वो 50 एम्बुलेंसेज मिली हैं बाइक वाली, ठीक है। अच्छा मैंने ना बाइक वाली एम्बुलेंसेज काफ़ी देखी हैं, फर्स्ट एड तो मैंने काफ़ी देते हुए देखा है, तो ये क्या पूरा लाहौर कवर करते हैं? क्योंकि समटाइम्स दे से कि मतलब बहुत ही वो रिमोट सा है तो हम उधर नहीं घुस सकते, ये फलाना वगैरह कवर पूरा ही होगा सारा। मेरे ख्याल में इनकी वही वाली बात है कि जाहिर है इनकी लिमिटेशन होगी कि फर्स्ट एड एक खास हद तक ये दे सकते हैं, उसके बाद तो जाहिर है अगर कुछ ज़्यादा इंजर्ड है तो फिर प्रॉपर एम्बुलेंस चाहिए। लेकिन वही बात कि क्योंकि प्रॉपर एम्बुलेंस होंगी भी शायद कम और शायद उनको रश की वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता होगा। जब भी एक्सीडेंट मैंने कोई देखा है ना सड़क पे, ये बाइक वाला होता है उधर। हाँ तो ये एफिशिएंट तो ये है, इफेक्टिव कितने है नहीं पता, एफिशिएंट ये है। क्योंकि मेरा एम्बुलेंस के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरा इतना कोई जिसे कहते ना कि टाइमली नहीं रहा हुआ, क्योंकि बिकॉज़ जाहिर सी बात है ट्रैफिक का हाल देखो बेचारी किधरों पहुंचेगी, तो बाइक का मेरे ख्याल से इट्स इजीियर कन्वीनियंट, एटलीस्ट बंदा बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोई ना कोई फर्स्ट एड देकर। इट्स अ गुड स्टेप, तालियां होते हैं साथ में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ परवेज इलाही, बाय द वे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी लेकिन मेरे मुंह से निकल भी गई है बिकॉज उनका ही इनिशिएटिव था कि दिस हैज वर्कड और अगली गवर्नमेंट्स ने भी इस चीज को खत्म नहीं किया, फर्दर एक्सपैंड करने की कोशिश ही की है, सो इट्स अ राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा नेक्स्ट खबर है ना वो ये हुआ है कि एक जेल के अंदर जो है ना 5 के करीब अफसरान जो हैं उनके खिलाफ ये हुआ है कि 2 को तो उन्होंने जो है वो कर दिया है मुलाजमत से फारिग, बिकॉज वो ना जिस बंदे को उन्होंने पकड़ा हुआ था ना उसकी तफ्तीश करते हुए वो रिश्वत लेते हुए सीसीटीवी पे वो कैप्चर हो गए, ठीक है। एक जो बंदा था वो पिछले 32 दिनों से आए नहीं रहा, ऑफिसर उसे बताया भी नहीं कि मैंने नहीं आना, उसको वैसे ही उन्होंने उसकी तरक्की रोक दी है, ठीक है, और 2 को तीन को कर दिया, 3 को जेल में डाल दिया, 3 को वहां पे जो है ना वो जेल में डाल दिया उसी जेल में। वो देखिए उनको तो ये है कि वो मतलब वो अगर घर से कॉल आए कि कहाँ हो तो वो कह सकते हैं काम पे, क्योंकि वो पहले भी वही होते थे, वो अब भी वही है। तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है, होम सिकनेस का कांसेप्ट है उसी जेल में फिर से। हाँ तो बाकी वो रिश्वत वाले जो है ना वो तलाशी लेने के दौरान उन्होंने स्लिप इन की थी रिश्वत। यार ये बस मुझे ये जो ब्रेवरी है ना ये खुल के आने वाले जो सीन है ना मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा रमजान की टाइमिंग फॉर द स्कूल्स 8 से 12 बजे कर दी, 12:30 बजे कर दी है। अली मुझे ना बच्चों ने शौक भी पड़ा होता है रोजे रखने का, माशाल्लाह वो रखवाते भी हैं बड़े, और लेकिन जो रमजान की टाइमिंग है ना उसके अंदर ये 8 बजे मतलब बच्चे को सोने का भी टाइम नहीं दिया जा रहा है। एक तो वो एक्साइटमेंट सैरी की एक्साइटमेंट होती है उसमें नहीं सोते, सैरी करने के बाद फिर उनको सोने नहीं दिया जा रहा क्योंकि 8 बजे आपका स्कूल लग जाना है, ये 10 बजे से आगे ऑनवर्ड्स क्यों नहीं करते क्या है?
हाँ ये जिद्दत लाई जा सकती है मतलब, हाँ? और पता नहीं क्यों आज तक किसी को ख्याल क्यों नहीं आया मैं हूँ उसकी। ना हाँ थैंक यू। उसकी वजह ये है कि मतलब दफ्तरों में अमूमन होती है 4 बजे छुट्टी, हाँ? तो आप अगर मॉर्निंग में उतना ही लेट कर दो, हाँ? और कि वो माँ बाप जो भी नौकरी से आ रहा है वो हाँ? 4 बजे बच्चे को लेता हुआ घर आ जाए। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड सजेशन। तो मतलब ये 8 बजे, वैसे मुझे 8 बजे से कोई खार चढ़ती है। अली जब रमजान का वो होता था ना, पता नहीं कौन सा गया था, तब मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ रही थी, ठीक है, वो ना 5:15 बजे रोजा खत्म हुआ करता था, लाइक सहरी खत्म हुआ करती थी। और आपको पता मेरा कॉलेज कितने बजे लगता था? 7 बजे। और 5:30 बजे मैं रोजा रख के मेरी वैन 6:45 बजे बाहर खड़ी होती थी, और मैं नेरे को पकेरे में जो है ना उधर कॉलेज जाया करती थी। ठीक है इट वॉज कन्वीनियंट कि 10 बजे फारिग होकर मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन सारे आधे घर वाले उन्होंने सोन नहीं देंगे। हाँ नहीं ये 2 दफा मुझे याद है कि हमारे स्कूल में भी किसी हाँ, को ब्रेन वेव आई थी, हाँ, 0 पीरियड। अच्छा हाँ वो कि 8 बजे स्कूल लगता है तो 0 पीरियड जो है वो पता नहीं 7:15 होगा, कि वो एक पहले पीरियड से पहले एक हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, पता नहीं कौन सा कोर्स है जो रह गया है बच्चे को पढ़ाना वो हम पहले पढ़ा लेंगे। हाँ उस पे मैं मतलब छोटा होता था लेकिन मैंने उस वक्त भी नजरियाती स्टांस ले लिया। क्या बात है, आप कार्ल मार्क्स पैदाइशी तौर पर हैं, ये मान जाए इस बात को, ये पैदाइशी कार्ल मार्क्स है। और उसमें जब वो मुझे टीचर और प्रिंसिपल ने थोड़ा सा डराया धमकाया तो मैंने उनको कहा था मैं अपने घर वाले ले आऊंगा, 7:15 बजे मैं नहीं आऊंगा। और उनका ठीक है फिर मर्जी। ये बुजी वाली स्पिरिट है वैसे आपके अंदर। ऐसे ही नहीं सर, ऐसे ही नहीं, ठीक है। अच्छा स्कूल से याद आया कि वो हफ्ते में एक दिन जो है स्कूल सफाई की अवेयरनेस पे जो है वो भी स्टार्ट करने लगे हैं कि बच्चों को सफाई का जो है वो किया जाए। अली उनसे सफाई करानी चाहिए, डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल सफाई करवाएं, पोंछे लगवाएं, उनके पट भी बने, साथ में वो थके हारे घर वापस आए ताकि वो माँ बाप को भी आवाज़ार ना करें, रात को टाइम पे सो भी जाएं। बिल्कुल एक ये बहुत अच्छी बात है, खाली लेक्चर ना दिलवाएं, काम करवाएं, है ना। और दूसरा ये है कि स्कूल्स को चाहिए कि हमें बुलाएं लेक्चर्स के लिए सफाई किसी भी चीज पे। मुझे ना हमेशा से शौक है बच्चे खराब करने का। मैंने ना थोड़े अरसे पहले मैंने पढ़ाया है थोड़े अरसे पहले मुझे मौका मिला जिंदगी में पहली दफा, मुझे शौक हमेशा से था लेकिन कोई मौका देता नहीं था, लेकिन मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का मैंने साल गया कि बच्चे ना पक्के हो गए होते, उन्होंने उनको ना ठीक किया जा सकता ना खराब किया जा सकता, आते पक्के हो जाते, हमें बुलाए स्कूल में ताकि हम नस्ल तबाह करें बिल्कुल। लेकिन आज देखिए हमारे हाथ के निकले हुए बच्चे जो हैं उनको कितनी जल्दी जिंदगी में मनूवर करना आ जाएगा। ये गलती ना करना जो हमने की थी, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती तो मतलब अगर मैं इसके साथ जाती हूँ वहां पर लेक्चर, एक तो मैं ये कहूंगी मुंह धोने की आदत डालें, क्योंकि अगर आपने आदत नहीं डाली तो इसी की तरह जो है सारी उम्र आपको फील नहीं होगा कि आप कितना गलीज लग रहे हैं और आपको जरूरत है मुंह धोने की, ठीक है। तो कुछ करें वैसे हमें ना, देखो अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो तुमको कैसे दिखाओगी? नहीं तो मेरे साथ। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं कहूंगी ये देखे ये है वो मुंह जो आप नहीं चाहते कि आपका हो, इससे प्लीज अपना मुंह साफ करें। अच्छा नेक्स्ट जो एक अच्छा मैंने ना ये बता दूं कि अमेरिका और यूके जो है उन्होंने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इम्पोर्ट है वो रशिया से बंद कर दी है, जो कि वो पहले करा रहे थे। मतलब पहले वो करा रहे थे, साथ साथ हमें बातें लगा रहे थे कि तुम उन्होंने ना अपना ताल्लुक रखे जिस पे इमरान खान फिर फट गया सी, तो उन्होंने इम्पोर्ट्स जो है वो बंद कर दी। यानी बाइडन भी हमारा शो देख रहे हैं। ये चीज सर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में प्रैक्टिस सारे देख रहे हैं। अभी आज आंटी ने मेरी इतनी तारीफ की, मैं घर आई ना तो मैंने आंटी से कहा, मैं कहा आंटी आप ही सोचोगे मैं चबड़ी गई हूँ आपको, तो आंटी कहती नहीं मेरी जानने वाले वो कह रहे हैं हम आपके घर तब आएंगे जब माँ आएगी, क्योंकि हमने आपसे मिलने मैं अपने बच्चों को भी लेकर आऊंगी। कदर करें आप लोग। अभी कल मुझे कोई कह रहा था तुम्हारा ना डिक्लाइन शुरू हो गया है कमेंट्स में। अच्छा तो कोई कह रहा था आपका डिक्लाइन शुरू हो गया है। नहीं वो तो पता नहीं तुम जानना चाहती हो कि नहीं जानना चाहती, लेकिन हमारे शो का इस्लामाबाद में एक ग्रुप है जिसने हमारे शो का कुछ और नाम रखा हुआ है, महावारियां। Guys, if you know, you know. लेकिन बार जो बात है वो ये है कि देखते वो भी हैं। हाँ, ठीक है ना, देखते वो भी हैं। खैर मुझे क्या, एक ना वो जंगल वाला हैंड हो गया, जंगल वाला हैंड ये हो गया है कि 1,10,000 दरख्तों की कैपेसिटी का एक लैंड है वहां पे ना वो दरख्त लगाने लगे हैं, वो जो सारे आपस में कम्पीट नहीं करते कि मैं पहले वो वाले दरख्त लगने थे। अच्छा PHA जो है ना 1,10,000 की कैपेसिटी के बजाय 1,60,000 की उन्होंने सबसे बता दिए कि हाँ मेरे उतने दरख्त चाहिए, वो खर्चा पानी बजट में सारा कुछ उनको कर दिया और इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी PHA ने दबा ली है लेकिन जो सरबराह हैं वो मान गए हैं कि दरख्त कम लगे हैं। हाँ। तो बेसिकली सगिया में जो मिवाकी जंगल का जो
स्टोन भी रखवाया था खान साहब से, ये उसका स्कैंडल है। हाँ। और वो जाहिर है मिवाकी जंगल होता है ना, उसमें वो बहुत छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं ताकि वो सनलाइट लेने के लिए ना एक दूसरे से कम्पीट करें, तो वो बहुत जल्दी उग जाते हैं। तो लंबे जल्दी होते हैं। तो वहाँ पे जगह 1,10,000 की थी, रेक्विजिशन 1,60,000 की गई, तो वो खैर इतना कोई मसला नहीं है। उसकी हाँ। वजह ये है कि वो कहेंगे कि जी हम तो ज्यादा ही मंगवाते हैं, सारे बूटे तो नहीं लगते ना, कुछ मर भी जाते हैं। हाँ। टाइप सीन कुछ इस तरह का करके उसको कवर अप कर लेंगे। वैसे भी मेरे ख्याल से 1,10,000 लग जाएंगे, मैं तो इसी में खुश हूँ, कोई लांदा तो पिया है ना। हाँ, दूसरा ये है कि मैंने वो परसों ही देखा है कि लिबर्टी में दोबारा खड़े हुए थे हुकूमती वो रिक्शे जिसमें वो नहीं बांटते पौधे, तो वो दोबारा खड़े हुए थे। तो ये हुकूमत के लिए दोबारा क्लैप हो कि वो आप फ्री लेके लगा लें जहाँ बस जगह। ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ये सार के टैब्स रखे। उस दिन ना मुझे कोई ड्रॉप कर रहा है डेबू से वापस, तो उन्होंने जेल रोड पे ना उस रात के पहर जो है ना, वहाँ पे मशीनें लगी हुई थी, रात के 1-1.5 बजे सारी चीज़ें फिक्स हो रही थी। तो ना जो मुझे ड्रॉप कर रहे थे फातिमा इरफान जो है और उनके हस्बैंड अली, तो उन्होंने कहा लगता है बुजी भी आप लोगों का शो देख रहा है जो रात के इस टाइम जो है ना वो सड़कें जो है वो ठीक हो रही हैं एंड एवरीथिंग। सो वी लव यू ऑनेस्टली, प्लीज डोंट रिजाइन, नेवर रिजाइन। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है वो है आमिर अजीज के बारे में। आमिर अजीज इज अ वेरी वेरी पॉपुलर ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ लाहौर, और FBI ने उनके ऊपर जो है 65 लाख का जो है वो टैक्स आयद कर दिया, नहीं दे रहे थे। उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि वो किसी को देते ही नहीं है अपॉइंटमेंट, उनके साथ बहुत अच्छा हुआ है। मेरी कमर, मैं खत्म हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, जिस बंदे ने कहा ना तुम्हारा डिक्लाइन शुरू कर, यू आर वेरी राइट। आमिर अजीज आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगा, ये कल्चर है कि उन्होंने आपको नहीं देना। फिर ये लोग कमाते किसको टाइम दे रहे हैं अली? हाँ, ये तो पता है, अब आज के बाद आमिर अजीज के अलावा भी कोई डॉक्टर तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं देगा। अब उनको होगा कि यार जे इन अपॉइंटमेंट ना मिलन ते टीवी ते आ जाती है, तो जे असी इन्हों को गलत शह प्रिस्क्राइब करती, कोई गलत डायग्नोसिस हो गया, तो साढ़े घर की रजिस्ट्री मंगन आ जाएगी। तो लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम वही है कि ये ना एक आधा मेरा जानने वाला ऑर्थोपेडिक जिससे जरा मजाक था उसको मैंने पूछ ही लिया कि मैं कि यार आप लोग बहुत ही कम होते हो, स्पेशलाइज बहुत कम करते हैं इसमें, या हर बंदे कोई हड्डियों का मसला है सारे कि, होते हैं। हाँ, क्यों आप किसी को भी फोन करो तो वो 3 महीने से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं देता। हाँ। तो खैर सबके बारे में वो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसने मुझे आंख मार के कहा था थोड़ा जहा इंसिस्ट करया करो, उसे शाम दी भी लग जाएगी। यार वो ना कहते हैं कि प्रॉब्लम पता है क्या है पाकिस्तानियों का, बिल्कुल जिस तरह हमारे ना कि जब तक कहो ना कि सब्सक्राइब करो अगला करता भी नहीं। अच्छा, डॉक्टरों का सीन ये है कि अगर आपने ऑर्थोपेडिक का खास तौर पे अगर आपने फोन किया ना अपॉइंटमेंट के लिए, और डॉक्टर ने या उसके जो भी कंपाउंडर है उसने आपको कह दिया है कि अच्छा जी 2 घंटे बाद आ जाए, तो वो फोन रख के साथ ही कहते हैं कि यार तो वेला डॉक्टर मैं तो काम नहीं आता। कहते जब तक 3 महीने बाद की डेट ना देना लोगों को यकीन ही नहीं आता कि हम डॉक्टर हैं। वैसे ये भी है, मैं भी, मेरे भी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं जो खाली क्लिनिक होता है ना, मैं कहती हूं अल्लाह जाने ऐसे क्यों होता है, जरा क्लिनिक खाली है। फिर वो खास तौर पे ना कोई और डॉक्टर को ना जाहिर है उस पर शायद इतना शक ना करते हो, ये जो एक पता नहीं क्या हड्डियों वालों को वैसे भी ज्यादातर आवाम का ख्याल है कि ये डेंटर पेंटर है, तो मतलब यार हाँ खैर, लेकिन आपको को टाइम दे तो पहुंचा करें, मतलब मुझे तो खैर कोई टाइम ही नहीं दे रहा, मैंने बड़ी जगह अप्लाई किया है। एनीवेज गाइस, लास्ट खबर जो है वो शाहरुख जतोई के बारे में है। शाहरुख जतोई जो है उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लतीफ खोसा है, और वो कह रहे हैं कि शाहरुख जतोई पिछले 8 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं, हालांकि सारी फैमिलीज की सुलह सफाई हो चुकी है, फैमिली जो ऑस्ट्रेलिया मूव कर चुकी हुई है, सो उनके ऊपर जो एंटी टेररिज्म जो वो लगाया है ATA लगा हुआ है उसका कोई फायदा नहीं है, उनको जेल से बाहर निकाला जाए, जिस पर बहुत सारी तनकीद इस बारे में भी हुई कि जी सिंध गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, ऑल्दो लतीफ खोसा इज डिफेंडिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एज अ लॉयर, राइट? हाँ, पता वैसे लतीफ खोसा की वैसे तो हमदर्दियाँ जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ हैं, बहुत सारे पास्ट में उनके ओहदों पे रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में मेरे ख्याल में उनका सिंध गवर्नमेंट से कोई नहीं, उनका नहीं है, ही इज नॉट इन एनी ऑफ द जैसे कहते हैं ना ऑफिशियल रोल्स राइट नाउ। तो वो मतलब वो अब ये कह रहे हैं कि जी प्लीज करेक्ट अस इफ वी आर रॉन्ग। हाँ, मतलब यू कैन करेक्ट, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अली I don't know, this is me, I understand that there is no system in place to handle these situations, because if families aapas mein kar leti hai na
फिर मेरे ख्याल से कोई रीजन नहीं रह जाता प्रोलॉन्ग करने का। हाँ, असल मैं इसको डिफेंड नहीं कर रही, आई एम जस्ट सेइंग। मसला ये है कि शाहरुख जतोई साहब तो बहुत साल पहले निकल गए थे, वो तो जिब्रान नासर की नजर पे गई कि ओए किसे वापस तो वो उन्होंने इतना रौला डाला कि वो सुप्रीम कोर्ट ने शायद सुओ मोटो ले लिया, वो शायद अब मुझे नहीं पता है कि और क्या कानूनी तरीका हो सकता था उनको दोबारा वो करने का, बावजूद इसके कि दूसरी फैमिली ने माफ कर दिया उनको अंदर रखने का तरीका हो सकता था, अगर कोई और हो सकता था तो पता नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन बहरहाल इन पे एंटी टेररिज्म वाला लगा दिया। अच्छा अच्छा, अब मसला ये है कि ये इधर से कह रही हैं कि जी ये टेररिज्म वाला तो नहीं बनता इस पे पर्चा, दूसरी तरफ ये है कि जी वो क्या कहते हैं कंदील बलोच का भाई भी छूट गया, ठीक है उसको भी क्योंकि माँ बाप ने माफ कर दिया उनका ही बेटा था, और ये तो इधर तो खैर वो आम चलता है ना ये तो, आप अक्सर ऑनर किलिंग होती है, पुलिस जाती है और माँ बाप बड़े हैरान होकर कहते हैं कि यार साड़ी कुड़ी सी पैड़ी सी असी मारती तानू की प्रॉब्लम है, तो वो जो एक सीन है ना कि देखें जब हम कहते हैं ना कि फरीक बनना चाहिए सरकार को खुद, ठीक है ताकि ये माफी ना हो सके, तो उस पे एतराज ये उठता है कि जी ये मतलब ऐसा कानून है जिसकी इस्लाम में इजाजत है, तो अगर इस्लाम में इजाजत है तो आप कौन होते हो कुछ इसको करने वाले, बिल्कुल ठीक है वो इस्लाम में अगर इजाजत है बड़ा विजडम होगा उसके पीछे, जाहिर है खानदानी फैमिली फ्यूड चल रहा है, 700 बंदे उधर मर गए हैं, 700 एक टाइम कहीं पे तो कराना है ना, तो वो सारा कुछ, लेकिन फिर भी हम उसके विजडम के पीछे नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस चीज को इस्लाम की बुनियाद बनाकर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो फिर मुआशरा भी तो फिर वैसा आइडियल इस्लामी होना चाहिए ना कि इंश्योर कर सके कि वो किसी दबाव में नहीं कर रहा। तो जब तक वैसा मुआशरा नहीं बन सकता तब तक फिर इस कानून को भी देखना पड़ेगा कि ये ठीक है कि नहीं है। Which also brings to the same point कि हमें जिब्रान नासर जैसे जो है ना काफी सारे लोग जो हैं ये चाहिए। कंदील बलोच के केस में उस्मान खालिद बट आ गया, वो भी उसका कोई केस से लेना देना नहीं है, बट एज अ कंसर्न सिटीजन ठीक है कि मतलब दीस केसेस शुडंट बी दिस इजी फॉर पीपल टू गेट अवे विद। ठीक है वो जो क्या नाम लेते हैं जिन्होंने खतीजा पे उस स्टैबिंग का जो था वो भी कन्वीनियंटली कंडक्ट बड़ी अच्छी थी तो उनको छोड़ दिया गया। कंडक्ट किस किस्म की थी कि 22 वार आपने किए एक लड़की के ऊपर और वो 3 साल अगर वो थोड़ी सी कंडक्ट कर दी है तो उनको सेन करा दे के बाहर गया, ऐसे बंदे को तो उठा के असाइलम में मेंटल असाइलम में डालना चाहिए जो जिस किस्म की उन्होंने हरकत की थी। उसके पीछे कानूनी मुशगावी ये थी ना कि एक जी कंडक्ट, दूसरा ये कि अटेम्प्टेड था तो उसकी सजा जो बेचारी जो जाहिर है खुदा ना खास्ता ज्यादा वो लीथल हो जाता वार तो फिर उसकी सजा कुछ और हो जाती। अब ये सारी कानूनी मुशगाफियां हैं उसके, लेकिन बहरहाल ये वाले जो है ये तो बिल्कुल केसेस ही डिफरेंट इसलिए है ना क्योंकि इसमें तो ये है कि जी मर्डर हुआ है लेकिन फैमिली ने माफ कर दिया, बस अब फिर उसमें तो क्या किया बस उसमें क्या किया जा सकता है। दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। हाँ और हमें पता है कल छुट्टी होगी थी, कल इसी छुट्टी होगी थी कि हम दोनों औरत मार्च पे थे, लेकिन वो एक एपिसोड पेंडिंग है हमारे पे ड्यू है, हम आपको देंगे, घबराना नहीं है।